हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल तमाल आईटी टिप्स एंड टॉपिक। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है एसीपी का मार्केट कैसा है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास क्वेरी कर रहा है जी, एसीपी का कैसा मार्केट है, एसीपी करने पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, 20-30 लाख का सैलरी भी मिल रहा है एसीपी करने से, उससे ज़्यादा भी एसीपी करने से मिलेगा, तो मैं इमीडिएटली कोई कोर्स कर लूँ एसीपी का तो मेरे को अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। तो ये जो क्वेरी है मेरा, ये क्वेरी का मेरा पास जो आंसर है, ये आप आपका एक्सपेक्टेशन लेवल रखिए, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन लेवल पहला दिन से नहीं होना चाहिए। अगर कोई फ्रेशर्स है, वो एसीपी का कोर्स कर रहा है, करने के बाद अगर सोचेगा मेरे को 20-30 लाख का सैलरी मिल जाएगा, तो मैं मेरा दोस्त लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी, आपको मिलेगा लेकिन इमीडिएटली नहीं मिलेगा। तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन को आप रखिए, लेकिन पहला दिन से मत रखिए। आप एसीपी का कोर्स कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकली काम कीजिए कंपनी में, वहाँ चैलेंज फेस कीजिए। आपका बुक्स में जो है, जो आपको सिखाया जाता है, और प्रैक्टिकली जो आपका चैलेंजेस जो आपका सामने आएगा, आप जितना चैलेंजेस फेस करोगे उतना आपका एक्सपीरियंस होगा, उतना क्रिटिकलिटी आप हैंडल कर पाओगे, डेफिनेटली आपको सैलरी मिलता है, अच्छा खासा सैलरी मिलता है, 20-30 लाख की, उससे ज़्यादा भी सैलरी आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी जाके आपको मिलेगा। ये तो मेरा पहला क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया हूँ। मैंने जो स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जो अगर एसीपी एमएम मॉड्यूल में पकड़ के चलता हूँ, कोई सिविल इंजीनियर किया, कोई मैकेनिकल इंजीनियर किया, कोई भी एमएम में लोग ज़्यादा आ जा रहा है, एमएम मॉड्यूल में लोग ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? एमएम मॉड्यूल थोड़ा इजी है, तो एमएम मॉड्यूल सीखने में उतना एफर्ट नहीं लगता जितना एफर्ट दूसरा मॉड्यूल में सीखने के लिए लगता है। सॉरी। तो एमएम मॉड्यूल करने का बाद आपको इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। एमएम मॉड्यूल का साथ उसका जो सपोर्टिंग और भी बहुत सारे मॉड्यूल होता है, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर लीजिए आप, ये सब मॉड्यूल में भी आप काम कीजिए, ये सब मॉड्यूल में भी आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए। सिर्फ आपको एक मॉड्यूल करने पे आपको अच्छा खासा सैलरी नहीं मिलेगा। एसीपी का मार्केट पहले भी अच्छा था, आज का डेट पे अच्छा है, फ्यूचर में और अच्छा होगा। एक प्रेस्टिजियस जॉब है, अच्छा खासा सैलरी मिलता है, अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद को रेडी होना पड़ेगा, खुद को थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा जे कौन सा मॉड्यूल लेके आप काम करें। देखिए, जैसे दो टाइप का मॉड्यूल होता है, एक फंक्शनल मॉड्यूल, एक टेक्निकल मॉड्यूल। टेक्निकल मॉड्यूल में यूजुअली लोग कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? क्योंकि लोग सोचते हैं कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, ये सब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बाद में अगर कर नहीं पाया तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा, जो मैंने इंस्टीट्यूट में पैसा दूंगा वो भी वेस्ट होगा। तो उसके लिए टेक्निकल मॉड्यूल में कम लोग आता है, लेकिन टेक्निकल मॉड्यूल मतलब सिर्फ प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं है। आप अगर ऐसे भी बेसिस करोगे उसमें उतना प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं है, आपको एक नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, आईटी बैकग्राउंड होने से अच्छा है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन, यूज़र मैनेजमेंट, ये सब का अगर नॉलेज होगा तो धीरे धीरे आप एसीपी बेसिस का भी जितना सारे सब मॉड्यूल्स है उसमें आप काम कर सकते हो। अरे, इसमें अच्छा फ्यूचर है, आप फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा काम कर पाओगे एसीपी बेसिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आप एसीपी जीआरसी में जाओगे उसमें भी उतना कोडिंग वगैरह है नहीं, एसीपी बेसिस का साथ ही आप कर सकते हो, उसमें एसीपी सिक्योरिटी के बारे में आप जान पाओगे, सीख पाओगे। आज का डेट पे एसीपी जीआरसी का मार्केट अच्छा है, बड़ा बड़ा कंपनी एसीपी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे बंदा हायर कर रहा है। अगर आप एबॉप पे जाओगे, एबॉप में थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग का मतलब नॉलेज होने से अच्छा है, लेकिन अगर आपका प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, कोडिंग का नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीख जाओगे,
एंड अबव का मार्केट आज का डेट पे बहुत ही अच्छा है। अगर आप फंक्शनल मॉड्यूल पे जा रहे हो लाइक SAP MM SD PP QM तो PP में थोड़ा मतलब चांसेस ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, थोड़ा सा क्रिटिकलिटी ज़्यादा है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो PP मॉड्यूल। आपका प्रोडक्शन प्लानिंग का अगर कुछ नॉलेज है, आप एग्जिस्टिंग कंपनी में प्रोडक्शन प्लानिंग का काम कर रहे हो, और फ्रेशर्स के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, फ्रेशर्स लोग भी PP मॉड्यूल पर काम कर सकते हैं। SD में अगर आपका सेल्स का बैकग्राउंड है, आप MBA किए हो, सेल्स बैकग्राउंड है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सेल्स का, तो आप SD मॉड्यूल पर काम कर सकते हो। MM तो मैंने ऑलरेडी बोला, MM मॉड्यूल में अभी सप्लाई ज़्यादा हो जा रहा है, तो सभी लोग चाह रहा है MM मॉड्यूल में आने के लिए। आप MM मॉड्यूल का, आप MM मॉड्यूल में कीजिए, लेकिन उसका साथ मेरा सजेशन है आप थोड़ा उसका और भी कॉरेस्पॉन्डिंग जितना सारे कोर्स है उसका भी कीजिए। दूसरा तीसरा बहुत सारे ऐसा फंक्शनल मॉड्यूल है, बहुत सारे टेक्निकल मॉड्यूल है। आप कोई भी मॉड्यूल में ट्रेनिंग लेने से पहले पहले एक बार देख लीजिए, पहले एक बार खुद को एक बार सोचिए। आप कोई भी मतलब कोर्स करने से पहले कोई आपको बोला आपने इंस्टीट्यूट में जाके भर्ती हो गया, ऐसा मत कीजिए। पहले आप सोचिए, पहले आप थोड़ा स्टडी कीजिए। आज का डेट पे इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, आप देखिए थोड़ा। मैं कोई भी कोर्स को प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, आपको जो ठीक लगे, जिसको आपको लगे जो नहीं आप कर पाओगे उसी हिसाब से आप करो। अगर आपको कोई भी चीज़ का सजेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखो, मैं आपको बताऊँगा जो आपका बैकग्राउंड का हिसाब से कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगेगा जो मेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो कौन सा कोर्स हमको करना चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स आपके लिए सही होगा और कैसे आप कोर्स करोगे। मैं कोई मतलब टीचिंग क्लास अभी तक किया नहीं, आगे जाके मेरा कोई अभी प्लान नहीं है, लेकिन मेरा पास जैसा फ़ोन आता है, मेरा पास मेल आता है, मेरा पास लिंक्डइन में, मेरा पास यूट्यूब में जो कमेंट्स आता है, मैं वो कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। बहुत सारे केस में मैं मतलब कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम जो मेरा व्यूअर्स से उसका साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो SAP का मार्केट पहले भी अच्छा था, आज का डेट पे अच्छा है, बाद में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको अगर जल्दी सक्सेस मिलना है तो आपको थोड़ा चूज़ करना है कौन सा मॉड्यूल पे आपको जाना है, कौन सा मॉड्यूल आपको सीखना है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, उसी हिसाब से अगर आप चूज़ करोगे तो आपके लिए बेनिफिटेड होगा। क्योंकि लोगों का क्या होता है, बहुत सारे चीज़ में पैसन होता है, लोग पसंद करता है ये वाला। कोई अगर प्रोडक्शन का बारे में काम करना चाहते हैं, प्रोडक्शन उसको अच्छा लगता है, कैसे प्रोडक्शन होता है, तो इसको कैसे सिस्टम में प्रोसेस करे, तो वो प्रोडक्शन में जा सकता है, PP मॉड्यूल सीख सकता है, उसके साथ QM मॉड्यूल भी सीख लेगा, क्वालिटी मेंटेनेंस में कैसा काम होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे होता है। तो ये पूरा चीज़ आपका ऊपर है, आप कर सकते हो। आज का डेट पे मार्केट में SAP में एक अच्छा खासा सैलरी मिलता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मार्केट में कुछ लोगों ने बहुत हाई उठा के रखा है जो जैसे ही आप कोर्स करोगे आपको 20-30 लाख का, 50 लाख का सैलरी मिलेगा, आपको फॉरेन जाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऑन साइट मिलेगा। सबके लिए ऐसा नहीं है, मेरा ये वीडियो करने का ही मतलब है। बहुत सारे मतलब मेरा व्यूअर से मेरे को कमेंट्स करता है जे सर मैंने तो MM का कोर्स किया लेकिन मेरे को नौकरी नहीं मिल रहा है, मैंने SD किया, मैं तो इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे को चांस नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, चांस मिलेगा, आप कोशिश करो, आज नहीं तो कल चांस मिलेगा। लेकिन उसका साथ साथ खुद को अच्छा तरह से प्रिपेयर करो, जो अगर आपको आपका पास एक चांस आएगा तो एक चांस को आप मतलब उसको सक्सेसफुल कर सकते हो, वो एक चांस का अपने उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा ना जो चांस आपका हाथ से निकल गया, आप बाद में सोचा जी अगर मेरा मैं कुछ अच्छा सा कर लेता, कुछ खुद को और अच्छे से प्रिपेयर कर लेता तो मेरे को शायद ये नौकरी मिल जाता, तो ऐसा मत करो। जो आपका पास आज का डेट पे आप जब स्ट्रगल कर रहे हो, आप खुद को रेडी कर रहे हो, आप अच्छा तरह से खुद को रेडी करो, नौकरी आज नहीं तो कल मिलेगा। नौकरी मिलते ही आपको जो 20-30 लाख का वो वाला फंडा, वो वाला सोच आप दिमाग से हटाइए।
आपको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख जो भी आपको मिल रहा है, आप अपॉर्चुनिटी देख के वहाँ घुस जाओ, अच्छा तरह से काम करो, 4-5 साल आप मेहनत करो, आपका सैलरी बहुत अच्छा लेवल पे जाएगा। एक टाइम आएगा 20-30 लाख की आपको 50-60 लाख भी सैलरी मिलेगा, करोड़ों रुपया सैलरी आपको मिल सकता है। इतना पोटेंशियलिटी है ये मॉड्यूल पे, ये कोर्स पे, ये इंडस्ट्री पे। तो आप फोकस करो आपका नॉलेज का ऊपर, आप फोकस करो आपका प्लानिंग का ऊपर, आप फोकस करो आपका अप्रोच का ऊपर। और आज का डेट पे लिंक्डइन में, सोशल मीडिया में बहुत सारे रिक्रूटर आपको मिलेगा, बहुत सारे कंपनी का। तो आप कोशिश करो आपका CV वहाँ पोस्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, तो आपका चांसेस बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो का बनाने का एक ही मतलब था, ACP का मार्केट अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो ड्यूमर फैला के रखा है कि आप जैसे ही कोर्स करोगे आपको इतना लाखों का सैलरी मिलेगा, ऐसा है नहीं। आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फ्यूचर में अगर मेरा पास कुछ अपडेट आएगा तो डेफिनेटली मैं आपका साथ शेयर करूँगा। अगर आपका मन में कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।